फादर, वन कप चाय प्लीज। चाय पीने? हमें लग ना रहो बेटा, एक रुपया में जो आधी कप चाय भी देगो। आजा आजा। मनोहर अंकल, यू मेकिंग वीडियो माय फेस लुकिंग वेरी गरीब लाचार, प्लीज अप्लाई सम फिल्टर ना, मी लुकिंग लिटिल लिटिल रिच। केट बिटिया, मैं यहाँ सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मुझे जज साहब को सच्चाई दिखानी है, वही शूट कर रहा हूँ। चल बेटा, तुमको कॉलेज छोड़ दें। फादर, नो फीस, नो कॉलेज एंट्री, ओनली किलिंग फ्लाइज। का? पापा, जब कॉलेज की फीस ही नहीं भरी तो एंट्री कहाँ से मिलेगी? अरे दादा, अरे 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 खबीज का बच्ची, हबीबी वो हबीबी, किधर भागती तुम खबीज का बच्ची? पठान साहब, पठान साहब, हम तो हमारी हालत लग रही है, हम कहाँ भागेंगे? खबीज का बच्ची, तुम जैसा लोग अक्सर हमारा पैसा लेकर भागती, हम अपना पैसा छोड़ेगी नहीं। ओ हबीबी, ओ हबीबी, ओ हबीबी। ओ माय गॉड, इसका ऊंट बड़ा एनर्जेटिक लगता है। हबीबी, पठान साहब, ऊंट है अभी भी? पानी मांगती। पानी मांग, पानी मांग। ओ मिस्टर हबीबी, व्हाई यू ट्रबलिंग माय फादर हबीबी? एक्चुअली वी आर इन गरीबी। बेटा कैट, तू कछु भी बोल देती है कभी भी, ठहर जाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारा लड़की एकदम कान जले भी होती, उसका जबान एकदम करेला होती, और उसका शक्ल 24 कैरेट गोल्ड होती। हबीबी, ओ हबीबी, हबीबी रूप। हम का कह रहे पठान साहब, हम बातों कर रहे, आपकी पाई पाई चुका देंगे। हमारे दिमाग में एक आइडिया होती, हम तुम्हारा पूरा कर्जा माफ कर देगी। कबूली पठान साहब, कर्जा माफ कैसे, कौन सा तरीका है? हम रेगिस्तान में बहुत दिन से फिल्म नहीं देखी है, तो हम तुम्हारा लड़की स्मार्ट लड़की के साथ फिल्म देखना मांगती। ना 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 ना, ये हमारी बिटिया प्रांत तुम्हारे साथ फिल्म ना देखेगी। हबीबी रुक, हबीबी। फादर फादर, इट्स ओके ना, इट इज जस्ट वन फिल्म, आई विल कमिंग विद यू फॉर वन फिल्म। व्हिच फिल्म? हबीबी, हम तुमको अपने ऊंट पे बिठा के रास्ते में बताएगी कौन सा फिल्म हम देखना मांगती। आओ हबीबी, उठो, बैठो बैठो, उठो। बाय बाय बाय। अरे गिरना जाइयो, अरे गिरना जाइयो, अरे गिरना जाइए। पठान, तेरी फिल्म हम बनाएंगे ऊंट पे बैठा के सारी, जैसे मैं तेरी बना रहा हूँ अभी भी। रज्जुजुग का तरीका है यार, इतनो देख नहीं रही तुम, थाली में सूखो सूखो लग रहा हो बिल्कुल, प्याज और रोटी का मतलब है यार। ऐसा दरोगा जी, ये 56 भोग ना, अब तुम खाली सपने में देखियो, ठीक है? अरे दादा, हाय हमारा लाल, तू काय टसुए बहार हो? अरे अम्मा, टसुआ ना बहाए तो क्या करें, हमेशा जौन आदमी ने प्याज की भजिया खाई, आज सूखी रोटी के संग में प्याज खाने पड़ रही, का मतलब है जिंदगी को? Father, if you giving me permission, तेरो स्टैंडर्ड ही कम नहीं हो रहा है, हिंदी नहीं बोल सकती अब भी, अंग्रेजी ही चल रही है। गरीब गरीब है हम। Father, if you giving permission, me calling सब्जी वाला and asking for थोड़ी सी सब्जी। बोल फिर भी अंग्रेजी ही रही। अच्छा तुम शांत रहो। हाँ बापू, अगर तू सब्जी वाले को बुलाने की परमिशन दे देगा, ये सब्जी वाले को फोन करके बुला देगी, सब्जी आ जाएगी। पापा पापा, ये प्याज गले से नहीं उतर रहा है, जो कछु भी है ना जाइए। ये मनोहर बेटा, यस ये देखो बेटा, ने कहा है कि देख 56 भोग ना सही, रोटी प्याज तो खिला ही सकते हैं, आ जा बेटा तू भी खा ले। नहीं नहीं, थैंक यू अम्मा जी, वैसे मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। ना ना बेटा, शर्मा काहे रहो है, हमारे लाने तो जैसे हपुआ वैसा तू, ये
तक आई हो? नहीं 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 अम्मा जी, देखिए आप इन गालों में उतनी ताकत नहीं रही कि आपके छापड़ खा सके। और रही बात, मैं आपका लाडला लाडला बच्चा हूँ तो यस, मैं आपका लाडला बच्चा हूँ। अरे बेटा, तब हमारे थप्पड़ में तो हम आशीर्वाद रहते हैं, तू देख तो ना हम हपुआ को कितना आशीर्वाद देते हैं। आई नो वेरी वेल। और इस धरती पर कौशल्या के बाद आप एक महान माँ है, लेकिन ये काम भी बहुत जरूरी है, सो आई कांट। और वैसे भी मुझे बदहजमी हो रही है तो मैं नहीं खा सकता, आप लोग खाइए। शत्रुघ्न खाना खा ले, तू भूखा रहेगा, कौशल्या से बर्दाश्त न होगा। आजा बेटा आजा। एक्चुअली ये जो वीडियो है मुझे जस साहब को भेजना है, वो ज्यादा जरूरी है, सो यू कैन कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। जल्दी से पनीर कोफ्ता, पनीर की डिशे निकाल, जल्दी भूख लग रही है। धीरे धीरे शांति से, जैसे पहले वापस नहीं आ जा। पनीर आपको मरियाओ। जल्दी कर, भूख जो धीरे अम्मा धीरे। हाँ हेलो, हाँ भैया, हाँ अप्पू सिंह बोल रहे हैं। हाँ पीलो पीलो, सच में? अरे दादा ले ले पीलो। थैंक यू, अरे थैंक यू, ओके ओके, समझ गए समझ गए। क्या 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 किसका फोन था? किसका फोन था? हाँ चेहरे तो कचू, गुड न्यूज लग रही है। अरे बस वो ही है बेटा, तूने सही 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 पहचानो अम्मा। फोन आओ तो मंत्रालय से, अपनी गरीबी देख देख के बेचारे एकदम पानी पानी हो गए। वे बोले इनसे कछु न लियो दादा, थोड़ा सा बोले सारो कर्जा माफ कर दियो इनको। अरे आराम से, अरे बस बस, अरे 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 अरे, लगना जाए लगना जाए, जाओ सामान तोड़ दें ये माँ हमारा घर। और बड़े कैसा लग रहा है? वेलकम बैक इन योर हैप्पी होम। भीगी लट्टा माँ, खुद को ही होम है, तू जाके मारो ते, चल ज्ञान दे रहो, कैसा लग रहा हुए। ना ना हपुआ, हाँ सही कह रहे हो, बड़ो अच्छो लग रहा हुआ अपने घर में आके। अब बहु हम इसी खुशी में फर्स्ट क्लास चाय बना दे, है बहुत दिन है गए बहू से सेवा ना करवाई है। ऐसे अम्मा हमें लगता है ना तुम्हें घर वापसी की इतनी खुशी नहीं है जितने हमसे काम करवाने की खुशी हो रही है। तुम चाहती हो ना हम ऐसे थक के जो है हमारे तेल निकाल लो तुम। यही वो तो है, ये कहने की जरूरत ही ना है, यही चाहिए। अब हमें लग रहा हो अपने घर में आए, जब तक तुम दोनों की तू तू मैं ना हो जाए, चौंची युद्ध ना हो, तलवार ना निकले, सारो घर को मजा ही नहीं है। जय के लाने तो हम करते हैं, ये तलवार निकाल रहे हम दरोगा जी। आओ आओ मरो। वाओ वाओ, कब आओ सर? हाँ झोपड़ी से इस महल में बहुत जल्दी एंट्री किया आप लोगों ने, देख नहीं रहो तो। ओह माय गॉड, हाँ सर ये तो वही पोटली है ना, पैसे गहनों वाली। सही, पारगी ना अम्मा, पारगी नजर दीगे लट्टे। बहुत बढ़िया, सही पहचान हूँ। मतलब आप सब लोगों ने झूठ बोला। तब मजबूरी थी ना सारी, सरकार डोकर के केस के पीछे पड़ गई ना, हमने पेल के गरीबी को नाटक करू, ऐसू नाटक करू, ऑस्कर मिल जाए सारू, पता सरकार खुश हो गई, बाइज्जत बरी कर दो, अब हमें नाटक करने की अम्मा कोनो जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। तू खुश नहीं है सारे? ऑस्कर मिलने वाला है। हाँ। थोड़ी देर में खूब बजा रहा हूँ। अल्लाह कौन खुशी में ताली बजा रहा हुआ है? ताली बज गई, ताली बजा रहा हूँ, ताली बज गई। कि केवी खा रहा हुआ है कोई, ना से पीटो, कौन ताली कौन बजा रहा हुआ है? मैं हूँ यहाँ पे। अरे जय मिस्टर रेशम पाल सिंह, जय हिंद जय हिंद। अप्पू सिंह तुम्हारे जैसा राधे राधे। अरे आराम से लड़खड़ा रही आप। सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारे जैसा मक्कार और झूठे इंसान से यही उम्मीद थी।
मुझे सही टाइम पे मनोहर ने टिप दी और मैं सही टाइम पे यहाँ पे आ गया तुम्हें पकड़ने के लिए। यस, ऐसे झूठे इंसान को अंदर करने के लिए एनीथिंग। तेरी अरमान जो उमड़ रही ना, हम सब समझ रहे। अरे सरकार को पर्सनली फोन आओ है तो हम आओ। नाटक जम गऊ ना उन्हें। हमारी कहे के हालत पे तरस खा के उन्हें हमें छोड़ दो। अब नाटक करने की कौन जरूरत नहीं है साहब। ऐसे काई ऐसे वो कॉल मैंने ही किया था पुशिंग। तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए और तुम मेरे बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस गए। अरे दादा। सरकार के साथ में धोखाधड़ी और झूठ बोलने के आरोप में मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ हप्पू सिंह। कमिश्नर साहब, हमारे हपुआ को अरेस्ट ना करो, बाकी कोई गलती ना है। हाँ हाँ कमिश्नर साहब, दरोगा जी का धोखा देने का कोनो इरादा ना तो, ये तो बस परिवार को बचाने के लाने जुगाड़ कर रहे थे। नहीं राजेश, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं स्क्रूटिनी में हूँ और हप्पू को अरेस्ट करना ही होगा। नहीं नहीं पापा को छोड़ दो, पापा को छोड़ दो प्लीज। अरे वन आर्मी में मिडिल क्लास है यार। नो 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 बच्चों, नो नो, ड्यूटी इज ड्यूटी, समझा करो बच्चों। मैं स्क्रूटिनी में हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे मुझे हप्पू का अरेस्ट करना ही होगा। अरेस्ट? अरे आप किसका इंतजार कर रहे हो? मेरा। अरे हम आओ बेनिया आ गओ। बेनी बड़े भैया रुक जाओ मनु बेटा। क्यों, मुहूर्त निकलवाना है इसे ले जाने के लिए? चुप। तुम्हारा मुहूर्त निकालवा है? चुप रहो कमिश्नर साहब। देखिए कोर्ट ने हमें इस कागजात के साथ भेजा है आपके लिए। इसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि हप्पू और उनके परिवारों को परेशान करना बंद करिए, क्योंकि खुद ही चाचा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो ऐसा है कि जिसने असल में गबन किया था, बुजुर्ग आदमी है वो भी अब, लेकिन उसको पकड़ लिया गया, धर पकड़ हो चुकी है उसकी, अब इन्हें तुरंत छोड़ा जाए। ये मेरा दोस्त है और मैं इसका वकील हूँ। मिस्टर बैनी प्रसाद, BALLB, याद है? फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तुझे भी याद है? वाह। आज मैं सच कहूँ तो मुझे पहली बार तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, वरना हप्पू को अरेस्ट करने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे सर, सेम हियर ब्रो। ब्रो आई एम सॉरी हप्पू सर, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। अम्बा जी, मैं भी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं स्क्रूटिनी में नहीं होता तो ये मामला कब का मैं दबा दिया होता। हाँ, 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 ड्यूटी हो। हाँ, और मामला दबाने में सर एक्सपर्ट है। अरे अरे कैसी बात कर रहा हूँ। बच्चों आई एम सॉरी, जो कुछ भी किया मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि मैं स्क्रूटिनी में हूँ। लव यू, आई एम सॉरी सॉरी मनोहर, चलो लव यू। आपके लिए स्पेशल। जाओ जाओ। जीत गए, जीत गए हैं अम्मा, जीत गए अम्मा, जीत गई। तुम काय उदास हो चाची? अरे ना, हम जी के लाने उदास हैंगे कि हुआ बेनिया, हमें बड़ो पछतावा सा हो रहा है। हाँ, हमने तुम्हारे डोकर पे यकीन ही ना करो। बताओ जब बात तुमने सही सही, मैं कितनी बार बोले हम निर्दोष है, निर्दोष को सारू गोंजा नहीं सुन रहा हूँ तू उनकी। अब ले जीत गई। Yes, it is true, meaning grandfather not showing the face because of sharam, and it is all everybody our fault. सही बात है, हमने वाकई में हमारे सगे दादाजी को कितना बदनाम किया, कितनी बार चोर चोर बोला। वाकई में हम तो स्टूपिड ही है। नहीं नहीं, गलती तो हुई, मतलब हमारे से गलती तो हुई। सही बात है, मैंने भी कितना बोला उनको। हाँ जमा, हमें लगता तो है ना, हम सबको मिल के पिताजी से माफी मांगनी चाहिए। तुमने कहा कछु नहीं सुना पिताजी को, यही सही मायने में पछतावा होगा। अम्मा चल के माफी मांगते हैं, पिताजी दिख रहे अम्मा को? डू करे का आस पास तो अभी मांग ले ना। हपुआ के डोकर, आओ हपुआ के डोकर। अरे एक खुशखबरी हैगी। हाय ना रे, क्या क्यों चिल्ला रही हो?
नाराज होंगे, सच में हमसे भूल आ गई, हमें माफ कर दो। हपुआ, तुम्हारे डोकर आ गए होंगे, आके माफी मांग लो। हाँ अम्मा। हाँ अम्मा बोलो। कहाँ हैं? इतने खड़े हैं। अरे हाँ, डोकर हम पांव पकड़ के माफी मांग रहे दादा। तुम्हारे डोकर के पैर जे तरफ आएंगे। उते हैं। अच्छा, डोकर हम पांव पकड़ के माफी मांग रहे दादा। तुम्हारे डोकर उस तरफ दूसरी तरफ घूम गए होंगे। अरे इते आ गए। डोकर हम पांव पकड़ के माफी मांग रहे दादा। जी का फिरकी की तरह घूम रहे हो? अरे अम्मा हम का ले रहे, तुम्हें क्या नहीं, बार बार घूम जाओ घूम जाओ। अरे तुम्हें ना कह रही, तुम्हारे डोकर को कह रही, घूमो उनकी तरफ। घूम गए, छू लो पैर। डोकर हम पांव पकड़ के माफी मांग रहे दादा। पिताजी हम क्या कह रहे हैं कि हमें पता है हम सबसे गलती भई, बहुत बड़ी वाली गलती भई है। आस पास तुम बोल लियो कुछ, माफी मांग। आपकी नाराजगी जायज है, हमें क्षमा कर दे, बच्चे हैं हम। अरे बच्चों आओ आओ, तुम्हारे दादाजी आ गए हैंगे, माफी मांग लो। काहे काहे कितने खड़े हैं, माफी मांग लो दादाजी। इधर सॉरी दादाजी। अरे तुम्हारे दादाजी के मुंह तुम्हारे पापा की तरफ है, उते जाके पैर छू। सॉरी दादाजी। ये इस तरफ घूम गए तुम्हारे दादाजी, ऐसा होता है क्या? सॉरी दादाजी। अरे फिर घूम गए, चलो बच्चन की तरफ घूमो। तो अब हम छुए पैर यहीं पे? हाँ छू लो। सॉरी दादाजी। सॉरी 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 दादाजी, हमसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपको चोर बता दिया। बताओ हम तो माफी मांगने के भी लायक नहीं है। हाँ दादाजी, हमने एक ही साइड की स्टोरी सुनी, खुद ही केस लड़ लिया और खुद ही किसी को मुजरिम ठहरा दिया। आप जहाँ पर भी हो सॉरी, प्लीज माफ कर दो। हाँ आपने भी कई बार सफाई को मौका मांगने की कोशिश करी, लेकिन हमने हमेशा पीठ दिखा दी। सॉरी दादाजी। ग्रैंडफादर्स, मी इज आल्सो सॉरी, मीनिंग ग्रैंडफादर फादर्स डूइंग सो मेनी मिस्टेक्स बट नोबडी सेइंग एनीथिंग। यू टू नॉट ओनली डूइंग मिस्टेक एनीवन, देन आल्सो वी पनिशिंग यू। सॉरी। क्या बोल रही है? अरे कटोरी, कम से कम माफी तो हिंदी में मांग ले। ग्रैंडमदर, मी इज केट नॉट कटोरी। नाम तो तेरो कटोरी है वो। पता है तू केट है। हां दादी मैं ट्रांसलेट कर दूं, मतलब ये कह रही कि यू देख मारा बापू खड़ा सामने, दुनिया भर के घपले कर रखे इसने, पर आज तक हमने कुछ नहीं कहा और दादाजी ने तो कुछ करा भी नहीं, उसके बिना ही हमने इतना कुछ सुना दिया, तो सॉरी सॉरी दादाजी। अरे कछु तो बोलो, हमें पता होगा कि आप सबसे नाराज होंगे, पर सबसे ज्यादा तो हमारा दोस्त है गो, हम आपकी धर्म पत्नी होंगे, फिर भी हमने आप पे विश्वास ना करो, हम तो खुद ही अपने नजरों में गिर गए। अरे बस करो कट्टो, कितना नीचे गिरोगी अब है? मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं निर्दोष हूँ। अरे तुम ही कहा, अब तो पूरे कानपुर में वर्ल्ड फेमस आ गए हो, बाइज्जत बड़ी आ गए हो, अब तो बताओ फोटो में टंगने के बाद पहलो इंसान है बाइज्जत बड़ी है गो। मैंने तुम सबको माफ कर दिया, जाओ। डोकर को कछु मूड बनो, कछु बोले। तुम्हारे दादाजी कह रहे हैंगे कि उन्हें सबको माफ कर दो। दादी क्या बोला ग्रैंडफादर ने? तुमको बताने के लायक ना है। आओ आओ, आय हाय, वाह पतंगे और लड्डू। अरे अरे अरे, धरो कोची, धरो धरो नीचे धरो। अरे अरे एक ठैया। ना ना एक ठैया, पहले जब पूजा में चढ़ेगा वाके बाद सबको मिलेगा। अरे पर मम्मी पूजा में तो लड्डू और खीर चढ़ाई जाती है ना, ये तिल के लड्डू और गजा थोड़ी चढ़ाई जाती है। मैं समझ गयो। अरे हमारे खाने की स्पीड इतनी तेज है, मम्मी जब बहाना बना रही है कि हम ये गजक और ये लड्डू तिल के इनकी तरफ आंख उठा के देखे भी ना। ऐसा नहीं है बेटा, एक बार पूजा हो जाने तो मकर संक्रांति की बाकी बात खा लेना। अच्छा मम्मी, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? ऐसे बेटा चमची,
आपसे, मतलब मकर संक्रांति के दिन से ना जिस सूर्य देवता पूर्व दिशा से उत्तर दिशा में प्रवेश करते हैं, मतलब अब से दिन बड़ा और रात छोटी हुई है। मम्मी, हमारे मास्टर जी भी बता रहे थे कि मकर संक्रांति को भारत में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। आज के दिन फसल भी काटी जाती है। बिल्कुल। अरे वाह, ये हमारी बिटिया है, बहुत बढ़िया। आ जा, तुमने ढंग की खबर निकाली। अब इतनो तो सारू रज्जू हमें नहीं पता, जितनो आज ज्ञान दे रही है। अब खाले का एक ठैया। अरे पापा, असल खबर तो मोको पतो है। का का कि आज के दिन का खाते हैं? मम्मी मैं बताऊं, आज के दिन हम ये तिल्ली के लड्डू खाती हैं, और साथ ही साथ पतो है साउथ में तो पोंगल मनाओ जाता है, हमें खिचड़ी खाती है। हाँ बिल्कुल सही कहो तुमने, जो सुन के ना, जो तुम्हारा ज्ञान सुन के ना हमारी आत्मा तृप्त हो गई। चलो सबको बधाई दे दो। चलो मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।